वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स का पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही कम्युनिटी पोस्ट के जरिए चैनल पे पोस्ट किया है कि हम लोग क्लास 10, 9, 8, 7 और 6 का क्लास यूट्यूब पे चलाने वाले हैं। तो अगर आप भी इसमें से किसी क्लास में पढ़ते हैं या आपके घर में कोई पढ़ता है, आपके कोई भाई बहन हैं या आपके बच्चे हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आप लोगों का पढ़ाई कंटिन्यूअसली चलता रहे। इस चैनल पे मैं लगातार क्लास 6 से लेकर 10 तक के सभी टॉपिक्स के वीडियो डालता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 6 का चैप्टर 1 का नोइंग आवर नंबर्स का, कंपेयरिंग नंबर्स, यानी नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं, यानी छोटा बड़ा कैसे पता लगाते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा कैसे पता लगाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पहले एग्जांपल में लिया है 92, 392, 4456 और 89742। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है ये हमें पता लगाना है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ा नंबर है ये। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इस एग्जाम्पल में सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर है ये। तो ये मैंने पता कैसे किया वही हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप लोग किसी भी कभी भी जो है सबसे बड़ा नंबर या सबसे छोटा नंबर या दो नंबर दिया रहेगा इस तरह से, तो दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कैसे पता लगाएंगे इसको हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट जो सबसे पहले काम करना है वो आपको ये है कि डिजिट्स काउंट कर लेना है, ठीक है। यानी ये सारे जो नंबर्स यहाँ दिए गए हैं इसमें डिजिट्स काउंट करना है। तो आप देखिए कि इसमें दो डिजिट है, इस नंबर में तीन डिजिट है, इसमें चार है और इसमें पांच डिजिट है, ठीक है। तो जिस नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट होगा वो सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस नंबर को सबसे बड़ा नंबर पहले ही कह दिया था, वो मैंने इसी तरह पता लगाया था। अब दूसरा एग्जांपल में देखिए कि सभी नंबर में फोर डिजिट्स हैं, तो इसमें अब हम लोग कैसे पता लगाएंगे कौन नंबर सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, ठीक है। तो यहां देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चार डिजिट है टोटल, ठीक है। तो 1000 प्लस तक नंबर है, ठीक है। तो इस नंबर में आप देखिए 1000 प्लस पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है और यहाँ 9 है। तो इसका मतलब है ये दोनों तो अब बड़ा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1000 प्लस वाला नंबर इन दोनों का छोटा है, 1 है, इसका 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 9 है। तो इन तीनों में से कोई नंबर सबसे बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए तीनों में ही 1000 प्लस पे 9 है, अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब हम लोग 100 प्लस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो 100 प्लस पे यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 2 है, तो ये नंबर तो बड़ा होगा नहीं, क्योंकि 0 छोटा होता है, 2 बड़ा होता है। यहाँ 100 प्लस पे 2 है और यहाँ 2 है, तो इन दोनों में से कोई नंबर अब या तो ये बड़ा होगा या तो ये बड़ा होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि टेंस प्लेस पे क्या नंबर है। यहाँ टेंस प्लेस पे 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 और 1 में 1 बड़ा होता है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर बड़ा हो गया। इसलिए हमने पहले ही कह दिया था कि ये ग्रेटेस्ट नंबर है, हमने भी उसी तरह पता लगाया था, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, उसको हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर कभी भी आपको कंपेयर करने में नंबर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए यहाँ थर्ड एग्जांपल में देख लेते हैं कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो ये आप लोग देखते ही बता देंगे कौन बड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट्स काउंट करने हैं, इसमें भी चार, इसमें भी चार, ठीक है। तो अभी पता नहीं लगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। अब देखिए 1000 प्लस चार डिजिट है, तो इसका मतलब हाईएस्ट कौन सा प्लस होगा, 1000 प्लस। तो 1000 प्लस पे यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो आप लोग जानते हैं कि 4 बड़ा होता है, 3 छोटा होता है, इसीलिए ये नंबर हो गया ग्रेटर देन दिस, यानी ये नंबर इससे बड़ा हो गया।
और ये बड़ा हुआ तो इसका मतलब ये छोटा हो गया, ठीक है। अब दूसरे में आते हैं, इस एग्जांपल में देखिए के डिजिट्स पहले काउंट कीजिए, इसमें भी फोर, इसमें भी फोर, ठीक है। अब 1000 प्लस पे यहाँ फोर है और यहाँ भी फोर है, तो अभी पता नहीं लगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब 100 प्लस पे जाएंगे तो 100 प्लस पे यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, 8 बड़ा होता है इसलिए ये नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। ये नंबर बड़ा हो गया, क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि 100 प्लस वाला नंबर इसका बड़ा है। अब फिफ्थ एग्जाम्पल में आते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल में देखिए कि पहले तो डिजिट्स काउंट करना है, नियम यही है, तो यहाँ चार डिजिट्स है, यहाँ भी चार डिजिट्स है, तो इसमें और इसमें कौन बड़ा हुआ ये हम लोगों को अभी पता नहीं चला, ठीक है। अब चार डिजिट है तो इसका मतलब हाईएस्ट प्लस कौन होगा, 1000 प्लस पे यहाँ फोर है, यहाँ भी फोर है, तो अभी भी नहीं पता लगा कि दोनों में से कौन बड़ा है। उसके बाद 100 प्लस पे जाते हैं हम लोग, 100 प्लस पे यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, ठीक है, तो दोनों ही इक्वल होता है, 8-8 इक्वल है, तो अभी भी नहीं पता चला कौन बड़ा है। उसके बाद 10 प्लस पे गए थे, इस एग्जांपल में मैंने बताया था आपको, तो 10 प्लस पे यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, तो 8 बड़ा होता है, 7 छोटा होता है, तो इसीलिए ये नंबर हो गया बड़ा इससे, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि चार डिजिट इसमें भी है और चार डिजिट इसमें भी है, तो इसीलिए अभी नहीं पता चला कौन बड़ा कौन छोटा। 1000 प्लस पे यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, नहीं पता चला। 100 प्लस पे यहाँ 8, यहाँ भी 8, अभी भी नहीं पता चला कौन बड़ा कौन छोटा है। 10 प्लस पे यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, तो अभी भी नहीं पता चला कौन बड़ा कौन छोटा। और 1 प्लस पे अब जाएंगे, 1 प्लस पे यहाँ 5 है और यहाँ 9 है, तो हम लोग जानते हैं 9 बड़ा होता है 5 से, तो इसीलिए ये नंबर हो गया बड़ा और ये नंबर हो गया छोटा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप नंबर्स को कंपेयर करना सीख गए होंगे। अब नंबर्स कंपेयर करके आप लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा।